मोदी जी के घर में खेती नहीं होती, हमारे घर में खेती होती है। हमारे गोदी मीडिया ने इतना गलत मैसेज हमारे लिए फैलाया है। आज पता चला कि रवि सिंह खालसा हेड के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी FIR लॉन्च कर दी गई है। मोदी जी की तरह हम लुटेरे नहीं है, राजनेता लूट लिए, 100 करोड़ 500 करोड़ कोरोना वायरस में पैसे ले लिए। जब तक इन किसानों के साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ यही खड़े हुए हैं। जितना मर्जी आप टॉर्चर कर लो, जितनी मर्जी FIR हमारे ऊपर लगवा लो। दूध बेचने वाले को दूध की जगह छोड़ेंगे और गाय भैंस चराने वाले को भैंस की जगह छोड़ेंगे और चाय बेचने वाले को गुजरात के उसी प्लेटफार्म पर छोड़ेंगे जो इस जहां से आया है। तो उस सरकार के साथ लड़ाई हमारी चलती रहेगी जब तक सरकार अपने ये नियम वापस नहीं लाएगी। अपने जो इन्होंने हमारे ऊपर लाते हैं, मुंह पे थोपे गए, जो चीज मांगी नहीं गई वो दी गई है। पार्लियामेंट बना, किसानों की जमीन मोदी जी के चाचा की जमीन पर नहीं बना है। जब चाहे जिस दिन चाहे उस दिन उसकी जड़ उखाड़ के फेंक देंगे, इस बात के ख्याल में ना रहे। मोदी जी कह रहे थे कि किसानों की जो फंडिंग है पाकिस्तान से आ रही है। हमारे हिंदुस्तान की मीडिया कहती है, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं पाकिस्तान भूखा मर गया, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया। ठीक है, अब हमारे इसमें तो जो है चलो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, क्या मोदी जी ने देखा है? किसी ने देखा कि हमें पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है? आतंकवादी फंडिंग कर रहे हैं? या देखिए मेरी बात सुनिए, मोदी जी के घर में खेती नहीं होती, हमारे घर में खेती होती है। 2-3 साल 4 साल 5 साल 8-8 साल के चावल स्टॉक में रहते हैं। इस बात का जो ना दिमाग से जो ना भूत उतार दें। हाँ ठीक है। एक दूसरी बात, मोदी जी की तरह हम लुटेरे नहीं हैं, राजनेता लूट लिए, 100 करोड़ 500 करोड़ कोरोना वायरस में पैसे ले लिए और सब भर लिया घड़ा। एक दूसरा, इंडस्ट्रीज वाले लूट लिए। तीसरा, ISF से लूट लिए, NGO लूट लिए और मंदिरों की जो संस्थाएं हैं वो लूट ली, बड़े बड़े जो वो हैं वो सब लूट लिए। हम उनकी तरह लुटेरे नहीं हैं, ना हमें, हम किसान के बेटे हैं। आने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश का इस किसान मंच से ही पैदा होगा और आने वाले सांसद भी किसान मंच से ही पैदा होंगे। हम अपने देश के लिए जिएंगे और देश हमारा है, आप भी हमारे हैं। जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे बच्चों का डेवलपमेंट करेगा, जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, हमारे देश के इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े जो हैं स्टार बनेंगे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे लुटेरे मोदी जी की या राहुल जी की या इनके अखिलेश भाई साहब की सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्हें सबको करके देख लिया है, कहता है मैं तो दूध बेचने वाला हूँ, एक कहता है मैं तो जो हूँ घंटा बजाने वाला हूँ, एक कहता मैं तो चाय बेचने वाला हूँ। अब इनका वक्त आ गया, दूध बेचने वाले को दूध की जगह छोड़ेंगे और गाय भैंस चराने वाले को भैंस की जगह छोड़ेंगे और चाय बेचने वाले को गुजरात के उसी प्लेटफार्म पर छोड़ेंगे जो इस जहां से आया है। इस बात का ख्याल रख ले, हम लुटेरे नहीं हैं, हम बिकाऊ दलाल नहीं हैं जो सत्ता गिरा देंगे। हम सत्ता में जब आएंगे, आला तो हमें सत्ता में आना नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ा के अपने देश का डेवलपमेंट करना। सत्ता में अगर आएंगे तो अपने देश के लिए जिएंगे, अपने बच्चों के लिए जिएंगे। जो ये किसान, ना कोई किसान हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बुद्धिस्ट है, ना कोई धर्म है, ये सिर्फ एक किसान लोगो बनेगा। मजदूर से लेके और पार्लियामेंट तक के प्राइम मिनिस्टर तक की जो डिग्री होगी ना वो किसान की डिग्री होगी। स्कूल बने किसानों की जमीनों पे, हॉस्पिटल बने किसानों की जमीनों पे, पार्लियामेंट बना किसानों की जमीनों, मोदी जी के चाचा की जमीन पर नहीं बना है। जब चाहे जिस दिन चाहे उस दिन उसकी जड़ उखाड़ के फेंक देंगे, इस बात के ख्याल में ना रहे मोदी जी। यहाँ पे हमारा कैंप लास्ट 34 डेज से लगा हुआ है, जो किसान भाइयों के लिए मदद के लिए जो इस टाइम रोड पे आगे पड़े हुए हैं, इनके लिए सारी सुविधा, लंगर, पानी, बिस्तरे, डॉक्टर, दवाइयाँ, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। शुरू में तो यहाँ पे करीब 5 या 6 हज़ार किसान भाई होंगे, पर आज इनकी तादाद 40 से 50 हज़ार है। वैसे ही उतनी सुविधा हम बढ़ाए जा रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ परेशानी ना हो। रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, उसके लिए इनके बिस्तर, कंबल, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी, हर चीज़ की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है खालसा हेल्प इंटरनेशनल द्वारा। सर आपने कहा खालसा, लेकिन खालसा नाम सुनते ही कुछ जो मीडिया हैं उनको सांप सूंघ जाता है और इस खालसा को वो गलत तरीके से ले जाते हैं। आप लोगों को वो आतंकवादी कहते हैं, आप लोगों को खालिस्तानी कहते हैं, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? बड़ा दुख होता है जी, जब लॉकडाउन हुआ तो सारे खालसा, सारे गुरुद्वारे जब भूखे लोगों को खाना खिला रहे थे, तब तो हम सिख समाज से थे, तब तो हमारी कम्युनिटी सिख समाज और बड़े श्रद्धालु माने गए। और आज जब हमारे सिख भाई और किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पे आके बैठे हैं,
आज हमारा ब्रांड और हमारे नाम से ही चेंज कर दिया कि ये उग्रवादी हैं, भिंडरावाला की फोर्स हैं, ये उग्रवादियों को पनाह दे रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये। आज कोई सिख भाई अगर यहाँ पे आए तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे, जब पूरी दुनिया की हम मदद करते हैं। जहाँ जहाँ आपदा आती है सबसे पहले पहुँचते हैं, हर चीज़ का इंतजाम करते हैं। पर बड़ी हमारा जो गोदी मीडिया है, हमारे गोदी मीडिया ने इतना गलत मैसेज हमारे लिए फैलाया है। आज पता चला कि रवि सिंह खालसा हेड के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी एफ आई आर लॉन्च कर दी गई है। और ये तो वो राज हो गया, हिटलरबाजी वाला राज हो गया कि किसी की सेवा करने के लिए भी हमें इनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। पर हम किसी से आज्ञा नहीं लेंगे, हम शुरू से मानवता की सेवा करते आए हैं और अभी इसी सेवा में लगे रहेंगे। जितनी मर्जी एफ आई आर लिखवा लो, जितना मर्जी नाम बदल लो, जितना मर्जी भिंडरावाला की फोर्स जो कुछ मर्जी बोल लो, बट हम जो अपना काम कर रहे हैं इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इन किसानों के साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ यही खड़े हुए हैं। जितना मर्जी आप टॉर्चर कर लो, जितनी मर्जी एफ आई आर हमारे ऊपर लिखवा लो सर। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि ऐसे किसानों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वो खालिस्तानी, मतलब उनको खालिस्तानी बोलना एक तरीके से उनका अपमान करना है, तो आपको क्या लगता है? मैडम ये तो इनको धरने का मोर्चे को फेल करने की ताकत है। आज मेरी उम्र करीब 42 साल हो गई है, इतना बड़ा मोर्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और इतनी शांति से मोर्चा चल रहा है, किसी को नुकसान नहीं। उल्टा हमारे किसान भाई आज 35 से 40 किसान भाई शहीद हो गए हैं, पर किसी भी मंत्री तंत्री या किसी का भी अफसोस किसी ने जाहिर नहीं किया। और फिर भी हम ये मोर्चा शांति से चलाते रहेंगे, हम आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है तो उस सरकार के साथ लड़ाई हमारी चलती रहेगी। जब तक सरकार अपने ये नियम वापस नहीं लाएगी, अपने जो इन्होंने हमारे ऊपर लाते हैं, मुँह पे थोपे गए हैं, जो चीज़ मांगी नहीं गई वो दी गई है, वो जब तक कानून वापस नहीं हो गए। आज भी मीटिंग हुई है, वो भी फेल हो गई है, तो हम अपना ये मोर्चा छोड़ेंगे नहीं। जितना मर्जी है हमें बीच में उलझने डाल दें, जितनी मर्जी मुश्किलें पैदा कर दें, राजनाथ सिंह जी ने अगर ये बोला है तो सारा किसान भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो मैनिपुलेटेड किसान थे उनसे ये अपना उनसे ये कहलवा रहे हैं भी ये हमें जो अध्याय में मंजूर है, ये सब बनाए हुए किसान हैं। एक्चुअल किसान यहाँ पे हैं, क्योंकि कोई मंत्री कोई मीडिया कर्मी यहाँ पे किसानों की हालत देखने नहीं आया, वो टीवी पे ही अपने आप ही हिसाब किताब दिया जा रहा है भी ये नकली किसान है। मैं अर्ज करता हूँ मोदी सरकार से, एक रात यहाँ पे किसी मंत्री को छोड़ो, रह के देखे तब पता चलेगा कि ये पिकनिक चल रही है या मौज मस्ती काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब माइनस टेम्परेचर में सड़कों पर सोना पड़ेगा और सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा तब पता चलता है कि यहाँ ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या ये खुद किसान है। तो इस करके ये बातें घर बैठे मीडिया सारी बुला रही है, सरकार उनसे बरगला रही है कि आम लोग इनके अगेंस्ट चले जाएं, बट हम आम लोगों को परेशान नहीं कर रहे। हम अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे पे खड़े हुए हैं जब तक हमारे ये बिल वापस नहीं होते।